अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? मैं वापस आना चाहती हूँ फारिस। वही तो देखना है, सोचना है कि डिवोर्स में वापसी का जो रास्ता है उस पर चल सकूंगा मैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि तुम घर की चाबियां लो और जाकर फिर से हुकूमत करने लगो, ना ही ये कि कागज पर माफी की अर्जी लिखो और उसे मैं लोगों को दिखाकर कहूं कि देखो उसने माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया। तुमसे जो मोहब्बत है वो तुम्हारे जाने के बाद मरी नहीं, वो अपने जिंदा रहने का जवाब ढूंढ रही है। देख लो सब, देख रहा हूं। लुबनान ने भिजवाया है, इसमें तुम्हारे काम की तो कोई चीज नहीं है। ये कभी तोहफे दिए थे उसको, गुस्से में तो सब वापस भिजवा दिया और एक नफरत भरा खत भी है, चाहो तो डस्टबिन से निकाल के पढ़ लेना। चीजें पूरी हैं? मतलब तुम्हारी दी हुई सारी चीजें तुम्हें वापस मिल गई ना, तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम अभी मेरा यकीन नहीं कर रहे ना, तुम्हें लगता है अभी मैं उसे चीट करूं? लुबना ही वो लड़की है जिसकी बदवाएं मैं नहीं लेना चाहता। बदवाएं तो छोड़ो, शायद उसे खोने से भी डरता हूं। तू सीरियस है ना? वो मान जाए तो कल शादी कर लो उससे। चल ढूंढते हैं उसे। फोन मिला उसे। मैं? हाँ, अपने नंबर से फोन करो और कहो कि तुम कोरियर सर्विस से बात करो। बोल दिया फिर? फिर ये कहो कि आपका पार्सल अनडिलीवर्ड वापस आ गया, आप चाहें तो हमारे दफ्तर से वसूल कर लें या आपके एड्रेस पर भिजवा देंगे। ऑफिस का है हमारा? कोरियर ऑफिस है ना, एड्रेस लिखा है, यहां तो आएगी। यहां तो आ जाएगी। वहां आ जाएगी तो मैं बात कर लूंगा उससे। हेलो, फारिस बोल रहा हूँ आंटी। अरे बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप बताइए आप कैसी हैं? और वो सोया की बच्ची? बिल्कुल ठीक है, लगता नहीं कि वो इतने बड़े हादसे से गुजरी है। हाँ
अगर घर पर है तो बात कराते हैं उससे। हाँ हाँ तुम होल्ड करो, मैं उसे बताती हूँ। जोया। जी अम्मी। फारिस का फोन आया बेटा, बात कर लो। जी। हेलो। अब तो ना फोन करती हो ना सुनती हो तुम। आपने फोन किया था? जवाब भी अच्छा है, हाँ किया था, एसएमएस भी भेजा था। उसका जवाब दे दिया था? लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में, मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। बस यही एक ख्वाहिश बाकी थी कि आंखों में नदामत के आंसू लिए एक बार मेरे सामने आ जाए तो मेरी मोहब्बतों का कर्ज उतर जाएगा। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे लेकिन नदामत इतनी ठीक है, दिल ही नहीं चाहा कि उसे रोते हुए देखो। Are you there? हाँ घर लौट के आने दो उसे। मैं नहीं जानता कि इस मुलाकात की क्या वजह है और इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं, लेकिन मैं और जोया दोनों ये समझते हैं कि उसका इस वक्त घर में होना बहुत जरूरी है, अपने घर में। जब तक वो घर से बाहर रहेगी बेवकूफियां करती रहेगी। खुदा और मां के बीच पालने के अलावा अगर एक चीज कॉमन है तो वो है माफ कर देना। खुदा ने कभी अपनी फितरत नहीं बदली, ना किसी मां ने। और अगर ममता माफ करने के लिए राजी हो, जजा सजा की क्या बात कर रहे हैं।
माँ की फितरत ही उसका कानून होती है। इसे दुनिया के किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। तुम चलो मेरे साथ, डांट कर कहो बेटा बहुत हो गई, अब घर चलो। क्या पता खुदा भी उसे माफ करने के लिए तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहा हूं। ठीक ही तो कहा है उसने, अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उसके हाथ से घर की चाबियां लूं और जाकर फिर से हुकूमत करने लगूं, और ना ही ये हो सकता है कि मैं कागज पर माफी की अर्जी लिखूं और वो उसे लोगों में दिखाकर कहे उसने माफी मांग ली है और मैंने माफी दे दी। ये भी कहा उसने कि तुमसे मोहब्बत है, वो तुम्हारे जाने से मरी तो नहीं लेकिन अपने जिंदा रहने का जवाब ढूंढ रही है। तो समझना फिर कभी नहीं मिलेंगे हम। लेकिन मैं जानती हूं फोन आएगा उसका, वो दारिया है ना मंडी को जा रही है, वो ऐसी ही है, उसके टूटने और जुड़ने में अपनी जगह ढूंढती रहती है। कसम से आज भी उसने कहा कि उसे दारिया से मोहब्बत नहीं है। अपने मामा पापा से बात नहीं करूंगी, ये बताऊं कि फारिस से मिलकर आई हूं, सर झुकाकर कहा है कि वापस आना चाहती हूं। उन्होंने कभी नहीं देखा मैं किसी के सामने खड़ी हूं। दारिया वहीं थी उसके ऑफिस में? हाँ, उसके हिस्से का सारा काम वही करती है। मेरे जाने के बाद वो संभल नहीं पाया, इसलिए दारिया की जरूरत थी उसे। आमना सामना हुआ? नहीं, लेकिन उसे खबर मिल गई होगी कि मैं आई हूं। खबर रखना कि मंडे को चली गई है। क्यों? ट्यूसडे को तुम्हारा इंतजार शुरू होगा, उसने कहा है ना कि फोन करेगा तुम्हें। तुम्हें लगता है फोन नहीं करेगा? नहीं, फोन करेगा वो तुम्हें, शायद मिल भी ले। लेकिन ये पता नहीं है कि इस मुलाकात में वो बात क्या करेगा। हो सकता है मिलते ही कहते कि वापस आ जाओ, लेकिन ये वापसी 4-6 महीने का बहुत कठिन मरहला है जिसमें तुम्हें एक दूसरे मत की जरूरत पड़ेगी। और वो पूछेगा कि दूसरा मर्द कौन है, वो ही तय कर ले कौन होगा। तुम्हें मर्दों की फितरत का पता है? हवा अगर मर्द होती तो वो अपनी बीवी को सांस लेने की इजाजत भी नहीं देती। और तुम उसे कहोगी कि वही तय कर ले कि दूसरा मर्द कौन होगा,
जो तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारे साथ तुम्हारा बेडरूम शेयर करेगा। शहर का घूट तो पीना पड़ेगा। इसी बात की तो परेशानी है माया, कि जब जहर पीने की बारी आई तो फिर जहर वही क्यों पिएगा? आई नीड योर सपोर्ट। सच कहूं तुम्हारे केस में सपोर्ट की नहीं, दुआ की जरूरत है। किसी के जहर पीकर जिंदा बच जाने की दुआ, और खुदा करे कि ये दुआ पूरी हो जाए। कुछ दिनों अगर तुम मुझे घर में ना मिलो तो अच्छा है। This is not fair. मैंने भी अपनी जिंदगी के बहुत साल तुम्हारे लिए बर्बाद किए हैं। That was also not fair. एक बस दारिया की वजह से इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो जो लौट के जाने की तारीख तय करके आई, उसको रोकने वाला कोई ना हो, उसकी हर तारीख जाने की तारीख होती है। तो रोकिए उसे, हाथ जोड़ के मिन्नत करके समझाइए उसे कि उसके जाते ही हम दोनों की जिंदगी उल्टे पैर चलना शुरू कर। शट अप यार, यही बात इतनी फोर्स से तुम खुद जाकर उसे कह दो ना, तो अपना टिकट फाड़ कर माया के मुंह पे दे मारे। माया इज नन ऑफ अ बिजनेस। वो तुम्हारा आधा बिजनेस चलाती रही है। वो अच्छी तरह से जानती है कि माया इज नन ऑफ योर बिजनेस टू। माया के दफ्तर आ जाने से माया क्या मेरी जिंदगी में आ गई है? अरे सिराज अंकल, उसके वापसी के रास्ते पर इतने कांटे बिछे हैं कि पैर में चुभ जाए तो फलक में उतर जाएंगे। वो जरा रुक कर देखे तो सही कि अब क्या होने वाला है। उसकी सीट कंफर्म नहीं है, मंडे तक कंफर्म हो जाएगी, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि वो चांस पर नहीं रहेगी। चलिए मैं कंफर्म कर देता हूं, वो अब चांस पर नहीं है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेकिन क्या? माया से एक आखिरी मुलाकात के बाद। I don't think you're talking sense. I'll make sense out of it. Trust me. वफा मुझसे तकाजा कर रही है कि बेवफाओं को उनके किए की सजा दी जाए, और फिर आपको भी तो मुझसे गिला था कि मैंने माया को चुपचाप जाने दिया, जो मेरे जिंदा रहने की जामिन थी। जिसे देखकर लगता था कि बस उस वक्त तक जीऊंगा जब तक उसे देखता रहूंगा, जिसके कदमों की चाप पर मेरे दिल की धड़कनें चलती। उस लड़की ने मेरे पहलू में बैठकर एक दिन मुझसे कहा,
किसी और से मोहब्बत हो गई है। उस दिन से मैंने मौत को हर पल में हर शक्ल में जिया है सिराज अंकल, सिर्फ इस एक उम्मीद के साथ कि एक दिन वो लौट कर आएगी, सर झुका कर मुझसे कहेगी कि मैं वापस आना चाहती हूं फारिस। मैं बहुत देर से तय कर रखा है कि मैं उस एक पल को सेलिब्रेट करूंगा। मुझे रोकिए और कहिए कि ये छोड़ के जाने का वक्त नहीं है। मैंने माना कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं, लेकिन उससे पक्की दोस्ती तो है मेरी। पक्की दोस्ती में एक रास्ता मोहब्बत की तरफ निकलता है। Let me find it. और फिर भी नहीं माने तो कह दीजिएगा कि इस बार छोड़ के जाने का मतलब है Come in. सुना है तुम्हारी सीट कंफर्म नहीं है? हाँ, दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर जा रही। मतलब ये अजायब घर खाली कर जाओगे तुम? वैसे तो बहुत सारी चीजें अधूरी छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अपनी अनुरोध की विलास तुम्हें वापस भिजवाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरा किसी ना किसी तरह तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मत जाओ। रुकने के लिए कोई सॉलिड रीजन नहीं है मेरे पास। इस बार खुद से कोई रीजन क्रिएट कर लो। अगर पैकिंग में मेरी मदद करोगे तो मुझे लगेगा तुम अपनी दोस्त का झुका हुआ सर नहीं देखना चाहते। कब है फ्लाइट? आज रात 2 बजे। तुमने तो कहा था कि तुम 7 दिन मेरे साथ हो। प्लानिंग तो मैंने 7 दिन की ही की थी, अगर मैंने अपना सारा काम ऑफ डे पर मुकम्मल कर लिया। अब तुम्हें सिर्फ मेरी जगह पे किसी और को हायर करना है। ये देख लेना कि जिसको भी हायर करो उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। वह कौन है तुम्हारा? ये सवाल तुम मुझसे पहले भी एक दफा कर चुके हो। वादा करती हूँ जब अगली दफा मिलेंगे तो मिलवाऊंगी मैं तुम्हें उससे। कहूंगी फारिस, मीट मिस्टर। मिस्टर शादी करोगी मुझसे?
भी पैकिंग करोगे? तुमने कभी कहा नहीं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुमने भी कभी नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम शादी की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें रोकना चाहता हूँ किसी भी तरह, चाहे तुमसे शादी क्यों ना करनी पड़े। मैं तुम्हें रोकने में सीरियस हूं दारिया। हम दोनों की दोस्ती में इतना दम तो है कि हम जब चाहें शादी कर सकते हैं। कब करना चाहते हो शादी? अब बैठ कर तय कर लेते हैं। आज रात 2 बजे मेरी फ्लाइट है, उससे पहले कर लो या फिर कभी नहीं। Are you crazy? आज रात होगी या कभी नहीं होगी। प्रपोज तुमने किया है और मैंने वक्त तय कर दिया। अपनी गाड़ी देख लो फारिस, तुम्हारा वक्त निकला जा रहा है। और अगर फैसला कर लेते तो माया से फोन करके कह दो मैं दारिया से शादी कर रहा हूं, तुमसे और ऑफिस से दूर रहे। किया है कि मैं घर आ गई हूं। फाइन, कोई है क्या तुम्हारे पास? हाँ, कौन? तारिया। ओके, गुड नाइट। उसके पास अभी भी तुम्हारा सेल नंबर है? मेरा सेल नंबर कभी नहीं बदला। खुदा की कसम तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। कौन? रुको, डरती हो मुझसे? पता है, मैं हमेशा अपनी गलतियों का गुस्सा तुम पर निकाल देती थी। तुम छोटे हो ना, तुम्हें ही सहना पड़ता है। बस अब तुम कहीं जाना मत, जब भी गुस्सा आए मुझ पर निकाल लेना। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं
समझूंगी। नहीं सोया, आप नहीं, पता नहीं कुछ था मेरे दिल में, शायद ये कि तुम मेरे हवाले से बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती हो, बहुत नफरत करती थी ना मुझसे। I know, it's my fault. मैं सचमुच तुम्हारे मामलों में बहुत इंटरफेयर करती थी, कहीं लगा के तुमसे गलती हो रही तो मामा बाबा को भी इस बात पर उकसाया कि तुम्हें रोका जाए, और ये भी चाहा कि डांट पड़े तुम्हें, लेकिन माया ये सब इसलिए था कि तुम्हें पूरी तरह से ओन करती हूँ मैं। चलो बस भी करो, तुम चाहती हो कि मैं सॉरी बोलूं? नहीं, कभी नहीं, तुम मुझे कभी सॉरी ना कहना, मुझे लगेगा कि तुम मुझे ओन नहीं करती। तुम्हें बेला से मिलवाऊंगी, वो बड़ी फैन है तुम्हारी, वो अक्सर मुझसे कहती थी जोया की मोहब्बत पर शक मत करो, वो बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे दिल ने कभी नहीं कहा तुमसे, दिल से तो कुछ भी नहीं छुपता है माया। मेरी मैं बेला के कहने से कैसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मोहब्बत पर अगर शक हो जाए तो आजमा कर देख लेते हैं माया, शक करने से आजमा लेना बुरा नहीं है। ना बस भी करो, इस तरह से भूलती रहोगी तो मेरे मुंह से सॉरी निकल जाएगा। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह उठोगी तो बातें करेंगे। कहाँ जा रही हो? अपने रूम में? और कहाँ? नहीं, आज की रात यहाँ मेरे पास सो जाओ। सो जाओ तो ठीक, वरना सुबह तक बातें करेंगे। और नाश्ता भी मेरे साथ करोगी? एक ही प्लेट में? करूंगी, बल्कि तुम्हारी झूठी चाय भी पीऊंगी। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं, तुम्हारे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है। आप उसे जाकर समझाते क्यों नहीं? ये कोई खेल है, मजाक है। रात के दो बजे निकाह पढ़वाने के लिए किसी को ढूंढ कर लाएं, और क्यों लाएं? मैंने कहा है शादी करूंगा, लेकिन शादी के लिए रखी हुई शर्तें पूरी नहीं करूंगा। उसे कहिए मुझे दोस्ती से आगे निकलकर मोहब्बत के रास्ते पर पैर रखने दो, यहां से वहां जाने में चंद घंटे तो लगेंगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है सर राज अंकल,
आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। ये सब तुम उसे जाके क्यों नहीं कहते, मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? वो मुझसे माया से की हुई शादी का बदला ले रही है। प्रपोजल सुनकर उसे सर झुकाकर हामी नहीं भरी, घूर के मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर शादी होगी तो अभी होगी, जहाज उड़ने से पहले। जहाज उड़ जाएगा तो क्या होगा? वो दुबई चली जाएगी, वहां से लंदन चली जाएगी और वहां से वापस कभी नहीं आएगी। मैंने प्रपोजल दिया उसे, उसके सामने कोई बिजनेस डील नहीं रखी और ये भी नहीं कहा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस 2 बजे के बाद बदल जाएंगे। मैं तुम्हें फिर यही कहूंगा कि जाकर उससे बात करो। इसे देखती है जैसे खा जाएगी मुझे। एक सिंपल सा मशवरा दूं, जाने का कहे ना तो हाथ पकड़कर गुस्से से रोक लो, बैग छीन के जमीन पे पटको और हुक्म देकर बोलो, कहा था कि तुम नहीं जा सकती यहां से। Don't you dare leave this house। और टिकट छीन कर फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके उड़ा दो। कसम खा के कहता हूं, नहीं जाएगी वो। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?